हरी ओम। आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए, आज क्या है कोरल ड्रॉ में आप इमेज के एज के साथ आप टेक्स्ट को कैसे रैप कर सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या है, पहले एक इमेज को इंपोर्ट करता हूँ। इधर क्या है, माउस को राइट क्लिक करके इंपोर्ट करता हूँ। सो अभी इस इमेज को लेता हूँ मैं, इधर क्लिक करके इसे ड्रैग करता हूँ। इसको और एक बार क्लिक करता हूँ तो ये रोटेशन का गया। इसको थोड़ा ऐसे थोड़ा एंगल लेता हूँ मैं। अभी क्या करता हूँ, एक सर्कल लेता हूँ, एलिप्स टूल लेके कंट्रोल को होल्ड करते हुए इसे ड्रैग किया मैंने। अभी यहाँ तक लेता हूँ, ऐसे एक सर्कल लिया मैंने। अभी देखो शिफ्ट को होल्ड करते हुए पेज अप करता हूँ तो ये ऊपर की तरफ आ गया। अभी इस इमेज को मुझे क्या करना है, क्लिप आर्ट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए इधर बिट मैप में आता हूँ। बिट मैप में आके इधर क्या है, आउटलाइन ट्रेस करके हैं यहाँ पे, क्लिप आर्ट करके है, इसको क्लिक करता हूँ मैं। अभी ये जो डिटेल्स है इसको मुझे क्या करना है, मैक्सिमम रखना है, इसको मैक्सिमम रखता हूँ। और अभी देखो ये जो प्रीव्यू है ये कुछ जगह पे आपको बैकग्राउंड नहीं दिखा रहा है, यानी इधर क्या है रिमूव बैकग्राउंड को हमने एक्टिव रखा है, इसलिए कुछ जगह से वो बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। अभी इसको नन करता हूँ तो देखो अभी इसमें जितना बैकग्राउंड है वो कंप्लीट आपको दिखा रहा है। अभी इसको ओके बोलता हूँ। सो देखो ऐसा आ गया, ये क्लिप आर्ट बना हुआ है। इसको एक बार अंडू करता हूँ। इसके नीचे क्या है, ओरिजिनल इमेज है। सो इसको अभी मैं क्या करता हूँ, आर्ट को होल्ड करते हुए इधर क्लिक करता हूँ तो देखो अभी ये जो बैक साइड जो इमेज है वो सिलेक्ट हुआ है। इसको साइड में लेता हूँ। सो अभी इसको मुझे क्या करना है, सिलेक्ट रखते हुए कंट्रोल यू प्रेस करना है तो ये अनग्रुप हो गया। अभी इस पोर्शन को क्या है, डिलीट करता हूँ मैं, इसको भी डिलीट करता हूँ ऐसे। अगर आप चाहे तो इसे ड्रैग करके भी आप डिलीट कर सकते हैं। अभी देखो इतना पोर्शन डिलीट करने के बाद अभी इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। इस पोर्शन को सिलेक्ट करके इधर मुझे क्या करना है, अभी क्रिएट बाउंड्री करके है, इधर क्लिक करता हूँ। तो इसके लिए क्या है, एक आउटलाइन आ जाता है, एक आउटलाइन आ गया। अभी अभी यहाँ से ऐसे ड्रैग करता हूँ, हाफ पोर्शन लिया मैंने, अभी इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ से भी ऐसे ड्रैग करके इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो देखो अभी ऐसा आ गया। तो अभी मुझे क्या करना है, इस ओरिजिनल इमेज को इधर प्लेस करना है। इधर इसमें प्लेस करने से पहले यहाँ पे क्या है, इस जगह पे स्मार्ट फिल करता हूँ। तो इसको आपको क्या करना है, इधर इंटरेक्टिव फिल में स्मार्ट फिल है, इसको लेता हूँ, लेके इधर क्लिक करो आप। तो देखो अभी ऐसे ये स्मार्ट फिल हो गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट रखते हुए माउस राइट क्लिक से ऐसे होल्ड करके ड्रैग करना है। जैसे ही इसके अंदर आएंगे तो ये क्या है, ऐसे कर्सर चेंज हो रहा है, तभी आपको क्लिक छोड़ना है। अभी क्या है, पावर क्लिप इनसाइड करके है, इसको क्लिक करता हूँ मैं तो इसके अंदर आ गया। अभी अभी इसको मुझे क्या करना है, एडिट करना है। तो उसके लिए कंट्रोल को होल्ड करते हुए अंदर की तरफ आपको क्लिक करना है तो ये ओपन होता है। तो अभी इसको ऐसे साइड में लेता हूँ। इधर आपको थोड़ा ग्रे इसका आउटलाइन भी दिख रहा है आपको। अभी इसको थोड़ा जूम करते हुए इस नोड को होल्ड करके यहाँ पर लाता हूँ। जैसे ही स्नैप होता है तभी आपको क्लिक छोड़ना है। ये जो स्नैप हो रहा है, स्नैप क्यों हो रहा है, व्यू के अंदर हमने क्या रखा है, इधर स्नैप टू ऑब्जेक्ट को एक्टिव रखा है, इसको कभी भी आपको एक्टिव रखना है। अभी मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल को होल्ड करते हुए आउटसाइड क्लिक करता हूँ तो देखो भी ऐसा आ गया। अभी इस पोर्शन को सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। अभी इस सर्कल का जो आउटलाइन है इसको थोड़ा थिकनेस इंक्रीज करता हूँ, समझो भी इसको एक 4 पॉइंट दिया मैंने। अभी मुझे क्या करना है, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट को लेना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इस जो ऑलरेडी मैंने इधर टाइप करके रखा है टेक्स्ट टूल लेके इधर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ तो ये सेलेक्ट हो गया। इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इस कर्सर को क्या है यहाँ पे लेके आता हूँ। तो देखो भी ऐसे ये कर्व जैसा दिख रहा है, तो वो क्या होता है, टेक्स्ट सर्कल के ऊपर आ जाएगा। और थोड़ा ऐसा अंदर की तरफ लेता हूँ तो देखो भी ये क्या है, ऐसे स्क्वायर जैसा आ रहा है, तभी आपको इधर क्लिक करना है तो इसके अंदर आ जाएगा। अभी इसको कंट्रोल वी करता हूँ तो देखो ये जो भी मैटर हमने कॉपी किया है वो पेस्ट हो रहा है। अभी देखो इसको क्या है, यहाँ से ऐसे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, जो ये जो इमेज हमने बनाया है ये सिलेक्ट हो गया। अभी अभी इसको क्या करता हूँ, इधर रैप टेक्स्ट में आता हूँ, ये क्या है रैप टेक्स्ट है, इधर आता हूँ। इधर आके आपको क्या करना है, इधर स्टडल टेक्स्ट करके है, इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखो अभी ये इधर क्या है, टेक्स्ट क्या है, इमेज के ऊपर से ऐसे साइड में आ गया। अभी इधर क्या है, फिर से टेक्स्ट टूल लेके इधर क्लिक करता हूँ, क्लिक करके फिर से कंट्रोल वी करता हूँ तो देखो अभी और थोड़ा मैटर ऐसे इसमें पेस्ट हो गया। अभी इसको कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल ए करने से सिलेक्ट ऑल हो रहा है। अभी इसका जो अलाइनमेंट है फुल जस्टिफाई रखा है मैंने। अभी देखो ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप को अगर आपको एडजस्ट करना है तो अभी आपको क्या करना है, ऐसे ही इस इमेज को ड्रैग करके इसे सिलेक्ट करता हूँ। फिर से क्या है, इधर रैप टेक्स्ट करके यहाँ पे आता हूँ। सो इसमें आके इसका डिस्टेंस क्या है, आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। सो यानी इसका गैप क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। देखो अभी ये समझ में आ रहा है आपको। सो इतना रख के अभी मैं क्या करता हूँ, इसको
आउटसाइड क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा जूम करके आप देखेंगे तो इसके गैप क्या है कम ज़्यादा करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो इस तरह आप इमेज के एज के साथ आप टेक्स्ट को फ्लो कर सकते हैं। अगर ये करते हो तो आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।